न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट्स। विद द न्यू डे कम्स न्यू स्ट्रेंथ एंड न्यू थॉट टूडे इज ट्वेंटीबर ट्वेंटी ट्वेंटी लेट अ क्विक डिस्कशन ऑफ ऑल दीज इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स रैपिड जी के यस्टर्डे क्वेश्चन के आंसर्स हैं तुंग भद्रा रिवर तुंग भद्रा रिवर कुरनूल लोकेटेड है इंडियन जॉइंट स्क्वेरल स्टेट एनिमल सिंबल है महाराष्ट्र का गुजरात में है ये रतन महल स्लॉथ बियर सेंचुरी और उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश का है ये हरेला फेस्टिवल ग्लासगो ऑफ इंडिया बोलते हैं हावडा को और नॉर्थ अमेरिका में है ये सोनरन डेजर्ट आज के सवाल है हु क्वाइन द फेमस कोट फेमस कोट अ सिंगल स्टेप फॉर मैन अइंट लीप फॉर मैनकाइंड ये फेमस कोट हु क्वाइन दिस फेमस कोट ंग्राई डांस संग्राई डांस ट्रेडिशनल डांस है किस स्टेट का है ये कलिंग प्राइज रिलेटेड टू विच कैटेगरी होता है भीम बांध वाइल्डलाइफ सेंचुरी लोकेटेड इन विच स्टेट फागन पुई फागन पुई जिसको ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है ये किस राज्य में स्थित है एक फेमस बुक है द फ्री थिंकर प्रेयर बुक इनके ऑथर कौन है सो दीज आर सिक्स क्वेश्चन फॉर टूडे Ajampadinge, Prime Minister, pitches for larger role in United Nations. Second is address aspiration of Tamil in Sri Lanka. 20th and this 13th amendment. Third is about Lantana camera. Fourth is science and technology snapshots. This is flood inundation. Sixth is about changes in labor laws. Code debate. Seventh is farm bills. Farmers by are protesting and what are the issues involved.

सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स एंड सम मोर इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट आज संडे है द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस रेफरेंस मटीरियल है दहली एडिशन संडे है इसलिए आज एडिटोरियल नहीं होगा आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रोफाइल ये सेक्शंस होंगे फ्रंट पेज में फर्स्ट न्यूज है दिस इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर पिचेज फॉर लार्जर रोल इन यूनाइटेड नेशन इंडिया का रिप्रेजेंटेशन रोल इंडिया ही नहीं और भी दूसरे कंट्रीज सिमिलर कंट्रीज यूएन UN में यू एन में रिफॉर्म की डिमांड कर रहे हैं जी फोर नेशंस इंक्लूसिव विजन है वर्ल्ड का एट द सेम टाइम कोविड नाइन्टीन में इंडिया की कैपेसिटी है दिस वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में तो इंडियाज़ रोल इन इट्स मैनिफेस्टेशन इज इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन सप्लाई में भी जो हमारी कैपेबिलिटीज है वो फॉर द वर्ल्ड है ये बात प्राइम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज़ किया यू एन एड्रेस में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वैन वी वर स्ट्रांग वी वर नेवर अ थ्रेट टू द वर्ल्ड हमारी स्ट्रेंथ है बट ऐसा नहीं कि हम वर्ल्ड के लिए थ्रेट हैं वैन वी वर वीक वी नेवर बिकम अ बर्डन ऑन द वर्ल्ड इंडियन ट्रूप्स हैव पार्टिसिपेटेड इन अबाउट फिफ्टी यू एन पीस कीपिंग मिशन ब्लू बैरेट टूडे एवरी इंडियन वाइल सींग द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया इन यूनाइटेड नेशंस एस्पायर करता है कि इंडिया का रोल ग्रेटर होना चाहिए यूनाइटेड नेशंस में अभी इंडिया को यू में सीट मिला बट वो नॉन परमानेंट है रिफॉर्म्स की जरूरत है यहाँ पे 1945 का जो यू था और ये 2020 का यू है वर्ल्ड चेंज हो गया है यू क्यों नहीं चेंज हो रहा है अब पुश फॉर रिफॉर्म इज रिक्वायर्ड यू का 75 फाइव ईयरस है ऑल्टर्ड हो गई हैं जियो पोलिटिकल रियालिटीज़ यू शुड ऑल्सो चेंज अदरवाइज ये इरेलीवेंट हो जाएगा जी फोर कंट्रीज हैं ब्राज़ील जर्मनी इंडिया जापान ये परमानेंट सीट की डिमांड कर रहे हैं यू में फिफ्टीन होते हैं फाइव प्लस टेन ये जो फाइव हैं ये परमानेंट मेम्बर हैं इनको वीटो पावर है बट ये वीटो पावर पे भी सवाल उठते हैं कि वाई ओनली दीज कंट्रीज़ आर हैविंग दिस वीटो पावर इंडिया को नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिला अभी बट वर्ल्ड इज़ चेंजिंग कोविड नेशनलिज्म ट्रेड क्लाइमेट चेंज एंड सिक्योरिटी इस पूरे बैकड्रॉप में दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि रिफॉर्म्स जनरल असेंबली वन ट्वेंटी सेकेंड प्लिन मीटिंग टू थाउजेंड एट में ये आइडिया फैसिलिटेट किया था कि रिफॉर्म्स लाना है बट वो बैकबर्नर पे चला गया ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ नहीं तो वाई ओनली दीज फाइव कंट्रीज़ आर हैविंग वीटो यू जो बॉर्न हुआ था वो वर्ल्ड वॉर टू के बाद हुआ था तो तब की रियलिटी और 2020 में समय बदल गया है यू एन एस सी परमानेंट वीटो कैरिंग मेम्बर्स जो हैं वो बेसिकली वो कंट्रीज थी जो विनर्स थे वर्ल्ड वॉर टू में जैसे यूएस यूके फ्रांस और बाद में चाइना को भी इंक्लूड किया बट ये 2020 की रियलिटी नहीं दिखाती है यूएनएससी जो है डज नॉट इंक्लूड परमानेंट मेंबर अफ्रीका से कोई मेंबर नहीं है ऑस्ट्रेलिया से नहीं है साउथ अमेरिका से नहीं है इंडिया जो इतना बड़ा पॉपुलेशन एंड रेस्पॉन्सिबल कंट्री है उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है परमानेंट मेंबर सो दिस टेल्स की देर वी नीड रिफॉर्म डीपोलराइजेशन भी होता है अक्सर यूएन के जो मेंबर्स होते हैं वो वीटो लगा देते हैं और इम्पॉर्टेंट जो मैटर होता है उसमें प्रोग्रेस हॉल्ट हो जाती है सो वी नीड अ रिफॉर्म ये इश्यूज अंडरलाइन है ईयर काफ़ी टाइम से हैं कोरोना वायरस पैंडमिक भी है यू एन यू एन एस सी डब्ल्यू एच ओ ये सारे इंस्टीट्यूशन अदरवाइज इरेवेंट हो जाएंगे जैसे डब्ल्यू एच ओ पे सवाल उठ रहा है दैट इज़ वाई प्राइम मिनिस्टर ने एम्फेसाइज किया इट इज़ टाइम फॉर रिफॉर्म पिचेज़ फॉर लार्जर रोल इन Nations, वरना एंटायर जो डेमोक्रेटिक वैल्यू सिस्टम है वर्ल्ड का वो डिफीट होता है पी एम पिचे फॉर लार्जर रोल इन यूनाइटेड नेशंस अभी ये पांच मेजर इशूज हैं यू एन में एनलार्ज करें सिक्योरिटी काउंसिल को यू एन एस सी जो है सिक्योरिटी काउंसिल को एन लार्ज करें कैटेगरीज ऑफ मेंबरशिप हो क्वेश्चन ऑफ द वीटो है फाइव परमानेंट दे आर हैविंग दिस वीटो रीजनल रिप्रेजेंटेशन का इशू है और रीडिस्ट्रीब्यूट करें सिक्योरिटी काउंसिल जनरल असेंबली पावर बैलेंस को दीज आर फाइव मेजर इशूज सो यू एन नीड्स रिफॉर्म सेवेंटी फाइव ईयर सेकेंड इज अबाउट दिस न्यूज़ एड्रेस एस्पायरेशन ऑफ तमिल पीपल प्राइम मिनिस्टर ने अर्ज किया मिस्टर महिंदा राजपक्षा को अभी ये जो राजपक्षा ब्रदर हैं ये प्रेसिडेंट भी हैं और प्राइम मिनिस्टर भी हैं श्रीलंका के ये श्रीलंका है श्रीलंका का जो नॉर्दर्न एरिया है यहाँ पे तमिल डोमिनेंस है प्रोविंसेस विद सिग्निफिकेंट तमिल पॉपुलेशन और जो इंडिया का स्टेट है तमिलनाडु क्लोज टाइज है यहाँ पे ये ईस्टर्न प्रोविंस है ये नॉर्दर्न प्रोविंस है तमिल यहाँ पे सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है तमिल और यहाँ श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ था काफ़ी टाइम तक एल डिफीट हुआ देन फिर सिविल वॉर के बाद पीस हुआ प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे इनको ज़्यादा राइट्स की ये डिमांड करते हैं इसके लिए एक थर्टीथ अमेंडमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस हो डि ऑफ पावर हो यहाँ पे डिशन ऑफ पावर हो इन दीज एरियाज डी हो ट्वेंटी अमेंडमेंट भी अभी न्यूज में है दिस इज अबाउट प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पावर ऑगमेंट है एंड एट द सेम टाइम ये पार्लियामेंट्री पावर थोड़ा डायल्यूट है ब्रॉडली इन ट्वेंटी अमेन्डमेंट सो दीज टू आर अभी जो न्यूज़ में चल रहा है श्रीलंका में मीन वैल इंडिया ने इन्हें इकोनॉमिक असिस्टेंस दिया है कोविड नाइन्टीन के बैकड्रॉप में श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो प्राइमरली सर्विस सेक्टर है टूरिज्म है एक्सपोर्ट दिस कैश क्रॉप्स एंड ऑल कोविड नाइन्टीन के कारण इनका सीवियर इम्पैक्ट हुआ है चाइनीज़ डेट ऑन राइज है चाइना से काफ़ी उधार लिया है ये रीपे भी नहीं कर पा रहे हैं तो मोरेटोरियम की भी इन्होंने डिमांड किया था कोविड नाइन्टीन वैक्सीनेशन लाइकली टू बी फ्री फॉर नीडी यहाँ पे बात है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हमें इतना पैसा लगेगा अगर कोविड नाइन्टीन को वैक्सीनेशन डिलीवर करना होगा टू एवरी इंडिविजुअल वन फोर्टी टू टू टेन रुपी एस्टिमेटेड कॉस्ट हो सकती है वैक्सीनेशन की दीज आर अगेन थ्योरीज दिस इज फॉर्म प्रोटेस्ट प्रोक्योरमेंट इन पैडी

ये टैबलेट्स क्या करेंगी जो स्टबल है ना स्टबल को बर्न नहीं करना पड़ेगा उसमें अगर ये टैबलेट एंड सॉल्यूशन डाल देंगे तो विद इन फिफ्टीन ट्वेंटी डेज वो स्टबल अपने आप डाइल्यूट हो जाएगा डिजोल्व हो जाएगा तो स्टबल बर्निंग का जो मैनेस है वो हेल्पफुल हो सकता है ये आई ए आर आई का नया दिस सॉल्यूशन है तो इसको अभी रिकमेंड किया है बायोडिकम्पोजर प्रोसेस देन दिस इज़ एक नया फिल्म सिटी बनाने का बात है दिस यूपी में दिस इज पेज नंबर फाइव लेक्चर सीरीज अभी स्टार्ट होगा मार्क सेंटेनरी हंड्रेड इयर्स ऑफ डिस्कवरी ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम बताइए हड़प्पा सिविलाइजेशन डिस्कवर कब हुआ था किसने किया था यहाँ पे आर्कियोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स है तो हंड्रेड इयर्स हो रहे हैं ये यह कुछ यहाँ पे टॉक्स होंगे आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम महाराष्ट्र में टेन डे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज अक्टूबर फाइव से स्टार्ट होगा हड़प्पन सिविलाइजेशन मोहन स्टडी सेंटर आई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असली इसमें डिफरेंट एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं गेटिंग ऑन विद ऑल्सो दिस इज अबाउट हैवी रेंज लैशेस तेलंगाना पार्ट ऑफ आंध्रा गशिंग आउट सी इडियम्स आर एवरीवेयर गशिंग आउट फ्लड वॉटर बींग डिस्चार्ज डाउन स्ट्रीम ऑफ दिस प्रकाशम बैराज इन विजयवाड़ा ऑन संडे कॉन्टिन्यूअस इनफ्लो इन टू दिस हिमायत सागर दिस आंध्र प्रदेश में फ्लड्स देन दिस इज पेज नंबर एट गवर्नमेंट नॉट फॉर री एंट्री ऑफ तिब्बतन विद रिटर्न कोविड वैक्सीन अराउंडी टू टू हंड्रेड एंड टेन होगा दिस इज द्यूज विल टॉक वीडिंग आउट लेंटाना री स्टोर ग्रास लैंड इन राजस्थान लेंटाना लेंटाना कैमरा लेट एस टॉक अबाउट इट ये एक फ्लावरिंग ऑर्नामेंटल प्लांट है साउथ अमेरिका में इसका ओरिजिन था इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया गया फ्लावरिंग ऑर्नामेंटल इट वॉज लुकिंग गुड बट ये इन्वेजिव स्पीशीज़ बन गया टॉक्सिसिटी ये स्प्रेड करता है तो जो सराउंडिंग और इकोसिस्टम की स्पीशीज़ है वो डाई दे स्टार्ट डाइंग सो ये बहुत ज़्यादा इन्वेजिव स्पीशीज़ है इन्वेजिव स्पीशीज़ मतलब ये स्पीशीज़ यहाँ बिलोंग नहीं करती साउथ अमेरिका की स्पीशीज़ है इंडिया आ गई तो ये इन्वेजिव स्पीशीज़ है जब ये इंडिया आएगी तो इसको नेचुरल एनिमी नहीं मिलेंगे नेचुरल कॉम्पिटिटर नहीं मिलेंगे जो साउथ अमेरिका में थे बट इंडिया में नहीं है तो इस कंडीशंस में जो नेटिव स्पीशीज़ जिस एरिया को एनक्रोच करती है वहाँ बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर होती है उसकी और जो लोकल स्पीशीज़ होती है इको होता है वो इम्पैक्ट होने लग जाता है दिस इज़ द केस जो हमने लेंटाना कैमरा के साथ ऑब्जर्व किया तो इसका रिमूवल एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है ये इजीली डाई भी नहीं होती इसको रूट्स के साथ उखाड़ के निकालना पड़ता है अदरवाइज ये फिर से रीग्रो होता है पॉइजनस दिस इसके है। अदरवाइज इसका यूजेज भी हमने निकाला फॉर फर्नीचर में एंड ऑल बट ओवरऑल लेंटाना कैमरा एक ये इन्वेजिव स्पीशीज है वीड है ये वॉलेंटियर्स यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं लेंटाना बुशेस को सज्जनगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में ये स्मॉल सेंचुरी है सदन अरावली हिल्स में 5.19 स्क्वायर किलोमीटर लार्ज एरिया हरबी वोड्स अब ये लेंटाना कैमरा जो है ये थिकेट है श्रब्स हैं जैसे झाड़ियाँ होती हैं ना वैसा है झाड़ियाँ हैंज कवर्ड वास्ट ट्रैक्ट ऑफ लैंड इन सेंचुरी में ये इस नेचुरल लाइट को स्टॉप कर रही है न्यूट्रिशन फ्लॉर ऑफ होना तो एक ये बहुत बड़ा दिस डिसमेनेस बन गई है पहली बार ये 1807 में इंट्रोड्यूस हुई थी लेंटाना कैमरा इंडिया में स्प्रेड हुई लाइक वाइल्ड फायर हर जगह ये तुरंत फैल गई इन्वेजिव स्पीशीज थी कॉम्पिटिटर एनिमीज़ नहीं है रिवर बैंक्स में प्रोजेक्ट टाइगर में हर जगह एरियाज में ऑब्लिटरेट कर दिया इसने नेटिव ग्रास लोकल स्पीशीज को ये साइडलाइन कर देती है किल करती है बायोडाइवर्सिटी रिड्यूस होती है तो इन किया पॉशर जो ग्रास हैं श्रंक हो गया कैटल्स कैटल्स इसको खा नहीं पाते बिकॉज ये पॉइजनस है अफेक्टिंग द लाइवलीहुड ऑफ विलेजर्स सो इसका रिमूवल बहुत एसेंशियल हो गया नाउ ये इको इकोलॉजी एनवायरनमेंट में टर्म हम अक्सर यूज करते हैं इन्वेजिव स्पीशीज सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म इन्वेजिव एलियन स्पीशीज जैसे ये लेंटाना कैमरा है दिस इज इन्वेजिव एलियन स्पीशीज

सेंटर फॉर अर्ली रोल आउट ऑफ दिस मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एंड गरबा इस बार नहीं होगा बिकॉज ऑफ कोविड नाइन्टीन एंड दिस इज जज बैरट टू सुप्रीम कोर्ट मिस्टर ट्रम्प नॉमिनेट कर रहे हैं डब्ल्यू एच ओ ने अगेन वॉर्न किया है दिस नॉट अ गुड न्यूज़ इंडिया कॉल्स दिस यू एन स्पीच इन सेसन रैंट इंडिया ने इसको क्लियरली यहाँ पे स्टैंड लिया दिस इज यू एस इलेक्शन हार्ड लाइन रीसेट इंडिया यूएसए क्वाड ऑस्ट्रेलिया ये इंक्रीज हो रहे है रिलेशन एट द सेम टाइम चाइना के साथ हमारे रिलेशन प्लंज हो रहे हैं डाउन स्पायरल में है हार्ड रीसेट की बात है इकोनॉमीज काफी कपल्ड है यहाँ पे डी टेम्पररी रिटेंशन ऑफ जी एस टी सेज नॉट डाइवर्जन ये अभी हम आगे न्यूज भी पढ़ेंगे कैग ने ऑब्जर्वेशन लिया कि जो सेस होता है सेस कलेक्ट होता है किसी स्पेसिफिक परपज के लिए आपने टैक्स ऑन टैक्स लगाया ये जाएगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में बट आगे पास ऑन होना चाहिए तो ये पास ऑन होने में डिले लगा सेंटर ने यह क्लैरिफाई किया है कि टेम्पररी रिटेंशन ऑफ जी एस टी से नॉट डाइवर्जन वी आर नॉट डाइवर्टिंग इट इज जस्ट अ टेम्पररी थिंग ये गवर्नमेंट ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है मिनिस्ट्री रेवेन्यू सोर्सेज ने दिस इज कैग मूड्स प्रोब ओवर सेस अकाउंटिंग डॉज ई वी इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी मेकरस इंडिया प्लान कर रहा है इतने इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरी मेकरस में द प्रॉब्लम इज वी वॉन्ट टू फेस आउट दिस पॉसल फ्यूल्स एंड प्रमोट दिस इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रॉब्लम विद इलेक्ट्रिकल व्हीकल इज बैटरी बैटरी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कॉस्ट इज ऑल्सो प्रॉब्लम बट जब इकोनॉमी ऑफ स्केल आएगी तो कॉस्ट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा मेजर प्रॉब्लम इज दिस बैटरी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बैटरी डिस्पोजल एंड बैटरी चार्जिंग इंडिया प्लान दिस मैनी ई वी बैटरी मेकरस इंडियन आई टी विल री बाउंड टू एट टू टेन परसेंट ग्रोथ बाय नेक्स्ट ईयर दिस ईयर आई टी इंडियन का जो सर्विस सेक्टर है स्पेशली नाइनटीन नाइनटी वन रिफॉर्म्स के बाद सर्विस सेक्टर ने काफ़ी बूम किया था वेर एज एग्रीकल्चर और मैनुफैक्चरिंग में ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुए सर्विस सेक्टर में भी जो आई टी सेक्टर है ये बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट एम्प्लॉयर रहा है रेवेन्यू भी यहाँ से जनरेट हुए हैं फॉरन अर्निंग्स भी यहाँ पर आई है ई का टिक करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे भी ग्रीन शूट्स दिख रहे हैं एट टू टेन परसेंट ग्रोथ बाय नेक्स्ट ईयर फिर से रिबाउंड हो जाएगी नाउ लेट अस टॉक टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी आज संडे है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट इज दिस इम्यून सिस्टम वीकनेस इम्यून सिस्टम वीकनेस ये बात है कि जो स्टडी किया है कोविड नाइनटीन पेशेंट्स में तो टेन परसेंट पेशेंट सिवियर डिसीज क्रिएट ऑटो एंटीबॉडीज दैट अटैक द इम्यून सिस्टम एक पेपर ने रिवील किया है कि अराउंड 3.5 परसेंट स्टडी पेशेंट्स जिनको कोविड 19 हुआ था तो उनके जीन्स में म्यूटेशन हुआ है म्यूटेशन मतलब फॉर्म चेंज हो गया उनका एंटी वायरल डिफेंस में और 10 परसेंट पेशेंट सीवियर डिसीज क्रिएट ऑटो एंटीबॉडीज दैट अटैक द इम्यून सिस्टम दिस इज अगेन वन फाइंडिंग कोविड नाइन्टीन में बहुत सारी फाइंडिंग्स आ रही हैंट इज सी डेजलिंग कॉमेट बिकॉज ये अभी फाइनल नहीं है सी दिस इज जस्ट अ फाइंडिंग की हो सकता है इम्यून सिस्टम वीकनेस यहाँ से ऐसा हो रहा है कोविड नाइन्टीन इज वन फैक्टर डेज़लिंग कॉमेट यू शुड नो अबाउट कॉमेट एंड यू शुड हियर नो अबाउट दिस इम्यून सिस्टम कि इम्यून सिस्टम क्या होता है कैसे ये वर्क होता है दिस इज डेजिलिंग कॉमेट कॉमेट्स होते हैं कॉमेट्स ऐसे ट्रेवल करते हैं जैसे हैलीज कॉमेट है सेवेंटी सिक्स ईयर्स के बाद ऐसे रिपीटन होता है एस्ट्रॉइड होते हैं वो इस बेल्ट में आते हैं दिस मार्स एंड जूपिटर यहाँ पे एस्ट्रॉइड हैं कॉमेट्स का ऐसा कोई फिक्स नहीं है दिस कुपियर बेल्ट के बाहर भी कॉमेट्स मिलते हैं डेजलिंग कॉमेट इट इज़ बिलीव जो लाइफ का इसमें रिसोर्सेज होते हैं लाइफ ओरिजिन करने के लिए कॉमेट्स ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है दिस इज ऑल्सो वन थ्योरी दिस इज डेजलिंग कॉमेट इसका नाम है सिक्सटी सेवन पी अल्ट्रा वायल वायलेट औरोरा फर्स्ट टाइम इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इमेजन यहाँ पर डिटेक्ट हुआ है येट टू बी डॉक्यूमेंटेड इन कॉमेट तो दिस इज कॉमेट वर्किंग ऑफ फटीग फटीग क्या होता है जैसे मेटल में भी फटीग होता है कॉन्टिन्यूसली एक चीज़ बहुत टाइम तक हम कर रहे हैं तो मेटल में फटीग आ जाता है ऐसे ही ह्यूमन बींग्स में भी फटीग आता है ब्रेन्स में ये जरूरी है यू टेक ब्रेक प्रॉपर स्लीप प्रॉपर मेडिटेशन प्रॉपर डाइट प्रॉपर एक्सरसाइज दिस इज रिक्वायर्ड टू अवॉइड दिस फटीक इन दिस फास्ट पेस्ड लाइफ जो मॉडर्न वर्ल्ड में अभी आ गई है कोविड नाइनटीन वर्ल्ड में वर्किंग ऑफ फटिक तो एक जॉन हॉपकिंस मेडिसिन रिसर्च है ह्यूमन ब्रेन्स का इसने किया है एफर्ट टू डील विद फटिक दिस इज ऑल्सो वन थ्योरी दैन दिस इज अगेन ह्यूमन चैलेंजेस ट्रायल्स विल हेल्प अस डि बेटर ट्रीटमेंट वैक्सीन दैट वी कैन नाउ थ्यूरी है वैक्सीनेशन डेवलपमेंट इज नॉट एन ईजी थिंग वाई बिकॉज वैक्सीनेशन अगर अपन कोविड नाइन्टीन जैसे कोरोना वायरस का देखते हैं ना तो कोरोना वायरस कॉन्टीन्यूसली म्यूटेट हो रहा है इसके स्ट्रेन्स म्यूटेट हो रहे हैं तो हम एक स्ट्रेन की वैक्सीनेशन बना रहे हैं और ये म्यूटेट होकर फॉर्म चेंज कर लेगा तो प्रीवियस वैक्सीनेशन इनफेक्टिव हो जाएगी दैट इज़ वाई इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिज़ाइन मैन्य वैक्सीनेशन इन दिस केस दिस इज न्यूज़ इनडेशन मैपिंग ये सिलेबस से ओवरलेप कर, ओवरलैप करता है फ्लड फ्लड क्या होता है ये एक चैनल है पानी यहाँ से जा रहा है पानी जब चैनल को ब्रेक करके बाहर निकल जाएगा तो वो फ्लडिंग हो जाएगी फ्लड मतलब ओवरफ्लो ऑफ वाटर है सबमर्ज लैंड दैट इज़ यूजुअली ड्राई पानी वहाँ पे भर गया है दैट इज़ फ्लडिंग फ्लोविंग वाटर है वहाँ पे फ्लडिंग एक बहुत बड़ा इशू है स्पेशली नॉर्थ ईस्ट में दिस गैंगेटिक दिस एंटायर बेल्ट में और इधर साउथ में केरला में यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लडिंग होती है तो फ्लडिंग को स्टॉप करने के लिए वाई डोंट वी हैव मेक दिस इनंडेशन मैप फ्लड जोन जो मैपिंग होती है रियल टाइम पे हम मेजर करें फ्लड मैप्स में क्विक डेटा असिमुलेट हो क्विक डेटा डिलीवर हो इनंडेशन मैप बनाए टू शो द एरिया इन वाटर इन 2018 अब रियल टाइम डेटा गैदरिंग करनी है तो हमें डेटा कलेक्ट करने के लिए सैटेलाइट्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा फ्लड मैप बनाने के लिए सो so, एक होती है स्पेस बेस्ड सेंसर सिंथेटिक अपर्चर रडार ये वाइडली यूज होती है फॉर मॉनिटरिंग एंड मैपिंग ऑफ फ्लड वाटर इनंडेशन एस ए आर यूज होती है फ्लड वाटर इनंडेशन के लिए अब ये जो डेटा होगा इसमें हम कंप्यूटेशन यूज करें ए आई डेटा एवरीथिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करें और इससे फ्लड मैप बनाएं रियल टाइम पे डेटा डिलीवर हो एनालिसिस करके वो बताए कि फ्लड कहाँ पे आ रहा है और तुरंत हम रिलीफ एंड दिस रेस्क्यू एफर्ट्स डाल सके एक्सेसिबल सैटेलाइट डेटा हो क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म हो इंटरनेशनल टीम ने एक डेवलप किया है पावरफुल टूल फॉर रियल टाइम मैपिंग ऑफ फ्लड एक्सटेंट रियल टाइम मैपिंग ऑफ फ्लड एक्सटेंट रिजर्वोयर कैपेसिटी भी अप करने की बात है स्पेशली केरला में 34 परसेंट डेटा ऑल वेदर कंडीशन में आए स्विफ्ट एनालिसिस करें अगर एनालिसिस क्विकली हो जाता है ना तो डिसीजन मेकिंग क्विकली होती है और डिप्लॉयमेंट ईजी होता है दिस इज द की टू कंटेन फ्लड यूरोपियन स्पेस एजेंसी का दिस कॉपरनिकस प्रोग्राम है गूगल अर्थ भी जो मॉनिटरिंग है विजुअल है ये भी काफ़ी हेल्प कर सकते हैं दिस डेटा कलेक्शन एंड दिस एनालिसिस में दिस एंटायर आर्टिकल टॉक्स अबाउट की रिसर्चर्स हैव डेवलप टूल फॉर रियल टाइम मैपिंग जरूरी हो फ्लड एक्सटेंड का जैसे हम ट्रैफिक में देखते हैं ना गूगल में बता देता है यहाँ रेड है यहाँ ग्रीन है ट्रैफिक ऐसे ही पानी का भी कितना पानी गिर रहा है कहाँ पर पानी स्टोर हो रहा है इन एन डेट कहाँ हो रहा है इससे हम बेटर वे में उसको डील कर पाएंगे मैपिंग इनंडेशन सो दिस इज द सेकेंड न्यूज ये एक नया फोना है फोना मीन्स एनिमल फ्लोरा मीन्स प्लांट्स तो फील्ड स्टडी एड्स फाइव एम्फीबियन एम्फीबियन का मतलब क्या होता है बताइए एम ये एम्फीबियन है फाइव एम्फीबियंस टू मध्य प्रदेश फोना लिस्ट में दिस इज द न्यू एम्फीबियन फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन टू थाउजेंड सेवेंटीन दिस कर्नाटका क्रिप्टिक स्पीशीज देन स्टडीज ने डॉक्यूमेंट किया है इन फाइट ट्रांसमिशन ऑफ कोरोना वायरस दिस अगेन एरोजोल दिस फ्लाइट में दिस ट्रांसमिशन पॉसिबल है हाउ डू एनिमल्स एडेप्टेन सीजन चेंज सीजन चेंज होता है डे एंड नाइट का हमने पढ़ा था सन का एपरेंट मूवमेंट और एपरेंट मूवमेंट के कारण दिस समर फिर विंटर ऐसे सीजन चेंज होगा डे नाइट का भी टाइम चेंज होगा डे लाइट भी चेंज होगी तो जो एनिमल्स होते हैं वो सीजन चेंज कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ड्यूरेशन ऑफ लाइट कितना है डे में ड्यूरेशन ऑफ लाइट कितना है नाइट में ड्यूरेशन ऑफ लाइट कितना है इसके अकॉर्डिंगली वो अपना रिदम मैनेज करते हैं और सीजन के अकॉर्डिंग दे ऑल्टर देयर दिस रूटीन एंड लाइफ स्टाइल चेंजेस इन लेबर लॉ ये सेक्शन है दिस एफ ए क्यू चेंजेस इन लेबर लॉ लेबर लॉ दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल कॉन्टीन्यूसली इसमें हम एवरीडे वी आर टॉकिंग ग्रेजुअली जैसे जैसे ये न्यूज़ प्रोग्रेस होगा विल कीप अ टैप कोर्ट डिबेट सिंप्लीफाई करें रैशनलाइज करें लेबर के बहुत सारे लॉज हैं आउटडेटेड हैं और उनका नेचर ऐसा है कि इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा चैलेंज आया है लेबर लॉज में तो लेबर लॉज को कंसोलिडेट एंड सिंप्लीफाई करने का गवर्नमेंट एफर्ट कर रही है सिंप्लीफाई एंड रैशनलाइज ये तीन लॉ हैं इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड सोशल सिक्योरिटी कोड ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशनस कोड इस लाइन पर सरकार काम कर रही है एफ ए क्यू में बताया है कि हम वर्कर्स को कैसे डिफाइन करें इट डिफाइन्स वर्कर कि इसमें इंक्लूड हो ऑल पर्सन सभी लोग एम्प्लॉयड अ स्किल्ड हो या अनस्किल्ड हो जैसे एमजीन नरेगा अनस्किल्ड होता है स्किल्ड मतलब यू हैव सम प्रोफेशन की प्लम्बिंग आता है या समथिंग लाइक दैट स्किल्ड है अनस्किल्ड है मैनुअल है टेक्निकल है ऑपरेशनल है क्लरिकल है कैपेसिटी सुपरवाइजरी स्टाफ है अट्ठारह हज़ार रुपये मंथ सैलरी ड्रॉ कर रहा है अप टू इससे लेस देन अपू एटीन थाउजेंड तो वो पूरा इसमें वर्कर्स में इंक्लूड होगा इंट्रोड्यूस्ड फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट होगा टर्म्स एंड कंडीशन एम्प्लॉयमेंट में जैसे गवर्नमेंट में भी हम देखते हैं ना सी सी वगैरह है या फिर दिस जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है या फिर कैग है इनका टर्म्स जो एम्प्लॉयमेंट का है वंस अपॉइंटमेंट ये चेंज नहीं होता है ऑल्टर नहीं कर सकते इनके अगेंस्ट में तो टर्म्स जो होती है वो फिक्स्ड हो फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट कंडीशंस हो एम्प्लॉयर को फ्लेक्सिबिलिटी मिले हायर वर्कर्स बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट थ्रू अ रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट रिटर्न में हो ऐसा नहीं कि हमने उनको बिना किसी सारे अनफेयर वे में फायर किया रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड ऑन अ पार विद परमानेंट वर्कर इन टर्म्स ऑफ विच कैटेगरी पैरामीटर्स आवर्स ऑफ वर्क वेजेज अलाउेंसेस कितनी तनख्वाह वेजेस अलाउंसेज कितने घंटे काम करना है ऐसा नहीं कि कोविड नाइन्टीन है तो आपने कहा कि अब पंद्रह घंटे की शिफ्ट हो रही है नो ये सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए स्टैशरी बेनिफिट्स मिलने चाहिए जिस इज ग्रैचुटी भी ये क्यों ज़रूरी है बिकॉज इंडिया में एटीन एटी वन से हमने देखा कि लेबर्स जब से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आया था तब से लेबर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर हुआ है मीनियल वेजेस होती है वर्कआवर्स एक्सटेंडेड होते हैं हेल्थ इन दिस पेंशन एंड ऑल जो होता है ग्रेचुटी भी नहीं मिलती है इसके लिए ये लेबर लॉस क्वालिफिकेशन इज इज इम्पॉर्टेंट सोशल सिक्योरिटी हो इंडस्ट्रियल रिलेशन हो और सेफ्टी भी हो बिकॉज ट्वेंटी ट्वेंटी में बहुत सारे इंडस्ट्रियल डिस हजार्ड्स भी हुए हैं थ्री हंड्रेड एम्प्लॉयज़ का इन्होंने कर दिया है अब हंड्रेड से थ्री हंड्रेड कर दिया है फायरिंग से पहले अगर थ्री हंड्रेड एम्प्लॉयज़ हैं तो ये सारे प्रोविजन आपको मेनटेन करने पड़ेंगे एक कैप लगा दिया है ऑब्जेक्शन जो उठ रहा है वो ये है कि ये जो बहुत सारी कंडीशंस है ना इसमें बहुत सारे एग्जाम्शन भी है कंडीशंस अप्लाई और अगर एग्जाम्शन मिल जाएंगे तो ये सारी कंडीशन साइडलाइन भी हो सकती है सो दिस इज़ द थिंग डिस्क्रिप्शन एग्जाम्शंस बहुत ज़्यादा दिए हैं प्रिपेयर करें स्टैंडिंग ऑर्डर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कर्स कैसे हुए किस तरीके से उनको इंटीमेट किया जाएगा पीरियड्स एंड आवर्स ऑफ वर्क क्या है हॉलीडे पे डे शिफ्ट अटेंडेंस कंडीशन फॉर लीव क्या होगा ये भी एक बहुत जरूरी चीज़ होती है लीव टर्मिनेशन अगर किया है तो क्या कंडीशन होगी कितने महीने की सैलरी देना है सस्पेंशन बिसाइड द मीन अवेलेबल टू रेड्रेस ऑफ ग्रेवेंस ये जितने भी कीवर्ड्स है ना दीज कीवर्ड्स शुड रिफ्लेक्ट इन योर आंसर एंड थॉट प्रोसेस कि इन जगह पे जब भी हम लेबर की बात करते हैं वर्कर की बात करते हैं ये सारे पैरामीटर्स यू शुड बी एबल अगर केस स्टडी में कोई केस आ रहा है तो ये सारे वर्क हॉलीडे पे डे कंडीशन लीव टर्मिनेशन सस्पेंशन एट्सेट्रा दीज आर ऑल इम्पोर्टेंट अब ट्रेड यूनियन भी होती है ट्रेड यूनियन के साथ नगोशिएशन होते हैं तो कौन सी ट्रेड यूनियन है कई बार बहुत सारी ट्रेड यूनियन हो सकती है तो वो रिकोगगनाइज़ होगी जहाँ पे फिफ्टी वन परसेंट एम्प्लॉय रजिस्टर्ड है वो रिकोगनाइज होगी फॉर नैगोशिएशन लेफ नोटिस पीरियड ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट कई बार ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट देते हैं कि यहाँ वर्क नहीं है तो इस जगह पर आपको फिट कर रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन ये सब गाइडलाइंस हैं यहाँ पर ये कोड प्रोहिबिट करता है स्ट्राइक्स को और लॉकआउट्स को ऑल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट विदाउट नोटिस सो दिस इज अगेन अगर एक्सपर्ट्स कुछ बता रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छा स्टेप है राइट right डायरेक्शन में स्टेप है जैसे फार्म बिल भी राइट डायरेक्शन में स्टेप है बट द पॉइंट इज डेलिब्रेशन होना चाहिए टॉक्स होना चाहिए और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं पार्लियामेंट्री प्रोसेस के थ्रू आप आएँ और सारे स्टेक होल्डर्स के कॉन्फिडेंस में लें कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी है चेंजेज इन लेबर लॉस बिकॉज अदरवाइज अभी तक की हमारी हिस्ट्री ये रही है कि लेबर का ज़्यादा हम उन्हें सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोवाइड कर नहीं पाए सो दीज लॉज आर रिक्वायर्ड रिफॉर्मस आर वेरी मच रिक्वायर्ड सिमिलरली ये फार्म बिल आता है फार्म बिल भी कॉन्टीन्यूसली न्यूज़ में बना हुआ है फार्म बिल दिस इज़ फॉर्म बिल हु गेंस एंड हु लूजेज गेंस तो हैं काफ़ी सारे लूजर्स में जो सबसे बड़े लूजर्स हैं लूज़ हो रहा है जिनका रेवेन्यू लॉस हो रहा है वो ए का लॉस हो रहा है बिकॉज ए अब मैंडेटरी नहीं होगा फॉर्म सेल के लिए ए मैंडेटरी नहीं है तो ए से जो टैक्सेज आते हैं रेवेन्यू जनरेट होता है स्टेट्स को तो स्टेट को रेवेन्यू का लॉस होगा तो दीज आर सर्टेन लॉसेस और प्लस जो मिडिल मैनज हैं जो ट्रेडिशनल सिस्टम बना हुआ है रेवेन्यू मंडी में आएगा सामान बेचेगा और ये पूरा दिस मैकेनिज्म है ये शफल हो रहा है यहाँ पे सो दीज आर सर्टेन इश्यूज ये बिल है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020 ये अलाउ करेगा फार्मर को टू सेल देयर हार्वेस्ट आउटसाइड द नोटिफाइड ए जरूरी नहीं बस ए में ही सेल करना है आप बाहर भी सेल कर सकते हो फार्म गेट में डायरेक्ट आप सेल कर सकते हो यू आर ओपन टू एनी विदाउट पेइंग एनी स्टेट टैक्स और फी दिस इज द प्रॉब्लम इससे स्टेट को क्या होगा टैक्सेशन का नुकसान होगा पंजाब और हरियाणा में ये एक मेजर चंक होता है स्टेट की इनकम में दैट इज़ वाई स्टेट टैक्सेज और फीस फार्मर एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट है प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल ट्वेंटी ट्वेंटी है ये है कॉन्ट्रैक्ट मार्केटिंग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कि पहले ही कॉरपोरेट्स और इनमें डील हो गया कि इतने में हम प्रोड्यूस करेंगे और इतने में सेल करेंगे इसमें अब प्रॉब्लम क्या आती है कि मैनी टाइम्स कॉरपोरेट फार्मर्स को बिकॉज दे हैव गॉट मनी दे हैव दे नो द लॉ दे आर एक्सपर्ट्स फार्मर डिसएडवांटेज में हो सकता है पॉसिबिलिटी है एसेंशियल कॉमोडिटी बिल में अमेंडमेंट किया है बहुत सारी चीज़ें होती थी उनको डी रेगुलेट कर दिया है आउट ऑफ व्यू ऑफ दिस एसेंशियल कॉमोडिटी के रिस्ट्रिक्शन से स्टोरेज एंड ऑल बिकॉज ये जब बिल आया था पचपन में तब हमारे पास फूड शॉर्टेज होती थी अब समय बदल गया है प्रोडक्शन स्टोरेज मूवमेंट फूड स्टफ सीरियल पल्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सरकमस्टेंसेज छोड़ के नॉर्मली इनका स्टोरेज दिस अलाउड इससे क्या होगा इन्वेस्टमेंट आएगा कॉरपोरेट इन्वेस्टमेंट आएगा दिस वेयर हाउसेज में एंड दिस कमोडिटीज़ में स्टोरेज एंड एवरी थिंग तो दिस इज अगेन अ गुड थिंग इशूज़ जो हैं वो हैं एमएसपी के ऑल दो गवर्नमेंट ने इसे बार बार क्लैरिफाई किया है कि एम एस पी कंटिन्यू रहेगी बट एम एस पी का लीगल बैकिंग नहीं है जैसे फूड सिक्योरिटी एक्ट में फूड का होता है जो प्लेयर डोमिनेट करते थे उनका लॉस होगा लॉस ऑफ रेवेन्यू स्टेट का हो रहा है ए पी एम सी डायल्यूट हो रही है स्टेट गवर्नमेंट का टैक्सेशन लॉस हो रहा है सबसे बड़ी प्रॉब्लम है टेक इन टू कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस प्रॉपर डिस्कशन इन पार्लियामेंट एंड टेक इन टू कॉन्फिडेंस ऑल स्टेक होल्डर सो दैट ये जो एप्रीहेंशन होते हैं और सीड्स ऑफ डाउट है ये रिमूव हो जाए दिस दीज आर द चैलेंजेस फार्मर वॉन्ट करते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस बनी रहे इसको यूनिवर्सल बना दो आप ये नहीं कि मंडी हर जगह जाएँ तो आपको एक एमएसपी मिलेगी कि इससे कम में सेल नहीं होगा चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो तो दीज आर सर्टेन डिमांड्स जो फार्मर कर रहे हैं इनोवेटिव दीज डिमांड्स बिहार केरला मणिपुर में ऑलरेडी एपीएमसी नहीं है इन्होंने पहले ही इसे हटा दिया था मेजॉरिटी सेल जो होती है वो वैसे भी अगर अपन देखें तो आउटसाइड मंडी होती है ए जस्ट फॉर सर सर्टन एरियाज ओनली है मेजॉरिटी ऑफ सेल आउटसाइड मंडीज़ है अब इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में देखें ना तो एग्रीकल्चर इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन एग्रीकल्चर इज इन अ डायर नीड ऑफ फंडामेंटल रिफॉर्म्स बिकॉज 50 परसेंट जनता एग्रीकल्चर कर रही है प्रोडक्टिविटी 15 प्रतिशत भी नहीं है कॉन्ट्रीब्यूशन जीडीपी में रिफॉर्म्स ज़रूरी है फिजिकल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए भी क्लाइमेट रिजाइलियन क्रॉप फिजिकल भी होना चाहिए तो लेट अस प्रिपेयर दिस क्वेश्चन एज वेल इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोडक्टिविटी में चैलेंज क्या है कि इतना सारा एरिया है हमारे पास कल्टिवेटेड एरिया लैंड मास है सिक्सटी परसेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड इज़ एट रिस्क बिकॉज फर्टिलाइजर का मिस हो रहा है क्रॉप प्रैक्टिस पुअर हैं सॉइल न्यूट्रिय में डेफिशंसी हो जाती है थर्टीन परसेंट ऑफ द वर्ल्ड एक्सट्रैक्टेड वाटर एटी सेवन परसेंट इज यूज फॉर इरीगेशन आप देखो ग्राउंड वाटर लेवल डिप्लीट हो रहा है डिक्लाइनिंग रेनफॉल है मानसून में अनसस्टेनेबल प्रैक्टिस करते हैं इरीगेशन एफिशियंसी कम है पानी बहुत डाल देते हैं फिर वो सॉल्ट पैन बन जाता है नमक छूट जाता है पानी एवोपरेट हो जाता है इकोनॉमिक लॉसेज होते हैं केम फ्रॉम फ्रूट एंड वेजिटेबल सेक्टर सब्सिडीज़ बढ़ती जा रही है बेनिफिट मिल नहीं रहा है सब्सिडीज़ फिर फार्म लोन वेवर भी हमें करना पड़ता है उससे बैंक्स एन परेशान हो जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट इज़ राइजिंग एंड दिस मच ऑफ पॉपुलेशन इज इन एग्रीकल्चर बट वेयर इज द एफिशियंसी वेर इज द एफिशियंसी एंड प्रोडक्टिविटी सो दीज आर सर्टेन चैलेंजेस जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर फेस कर रहा है तो लेट एस ट्राई टू क्लब दिस एंटायर थिंग टूगेदर फार्मूज एम एस पी और दिस सेक्टर प्रोडक्टिविटी चैलेंजेस एंड प्रिपेयर दिस क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत बड़ा सिलेबस का चंक कंप्लीट हो जाएगा इफ यू प्रिपेयर दिस टॉपिक दिस इज अबाउट सेस पार्ड सेक्ट वेर आर द फंडस कलेक्टेड थ्रू सेस पार्ट कपल ऑफ डेज बैक हमने सेस के बारे में पढ़ा था सेस जो होता है वो पहले जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में नॉर्मल टैक्स होता है ना वो किसी चीज़ के लिए लगाए सेस जो होता है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव होता है उसका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होता है सेस भी रिमूव हो जाएगा तो सेस इज़ ओवर एंड अबव टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस पे सेस लग सकता है ओवर एंड अबव सेस इज फॉर अ पर्टिकुलर थिंग पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट के लिए है एजुकेशन के लिए है एट्सेट्रा वेलफेयर के लिए है जी एस टी कम्पनसेशन के लिए पर्पज़ फुलफ़िल हुआ सेस वुड बी गॉन सेस का जो पैसा होता है पहले जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में फिर वहाँ से उसको डिफरेंट हेड्स में डाइवर्ट करते हैं सरकार ने ये डाइवर्ट करने में डिले किया ज़्यादा टाइम यहीं पे रख रही है बिकॉज इससे सरकार का जो कलेक्शन रेवेन्यू वो बुक्स बेटर हो जाती है इस बात पे कैग ने ऑब्जेक्शन उठाए नोटिस लिया so this is about CFI ये entire article is good we have already discussed it इसको एक बार just go through it you would be having very good understanding where are the funds collected through cess parked government accounts अभी जो issues आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि आप cess को divert करें जिस purpose के लिए use किया है divert it और cess ऐसा नहीं होता है कि financial year end हुआ तो cess lapse हो जाएगा नहीं ये carry forward होता है next में continue हो जाएगा दैन दिस इज़ प्रोफाइल द लैंड ऑफ पीक्स स्ट्रीम्स एंड डिस्प्यूट्स ये एरिया है गिलगित बाल्टिस्तान ये गिलगिट बाल्टिस्तान है दिस इज़ अक्सई चिन् ये जो एरिया है अक्सई चिन्ह है ऑक्यूपाइड बाई चाइना ये टेरेटरी है सीडेड बाई पाकिस्तान टू चाइना ये एरिया है गिलगिट बाल्टिस्तान और ये है जम्मू एंड कश्मीर एंड दिस इज़ पी ओ के सो दिस इज़ द टेरेटरी यहाँ पे दिस इज़ गिलगिट बाल्टिस्तान तो दिस इज़ द लैंड ऑफ पीक्स स्ट्रीम्स एंड डिस्प्यूट्स पाकिस्तान का जो मूव है टू गिव फुल स्टेटहूड टू द माउंटेनियस रीजन क्लेम्ड बाई इंडिया सेट टू एस्कुलेट टेंशन बिटवीन द टू देन अ पार्टी फॉर द राजपक्षा ब्रदर एंड ब्रदर फोर ईयर ओल्ड पार्टी है पीएम भी है प्रेसिडेंट भी है दोनों सेम पार्टी द कॉप हू लव्ज द लाइमलाइट एंड दिस इज स्पोर्ट्स दिस इज स्पोर्ट्स एंड दिस इज नडाल एंड जोकोविक नडाल वर्स इज जोकोविक ऑन रेड दिस क्ले so this is about sports in the Hindu newspaper let us have a quick discussion of this Indian Express as well ये front page है UNGA इस prime minister का address FRBM fiscal responsibility budget management fiscal fiscal deficit बहुत ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए इसपे check रखना है हमें अभी fifteenth finance commission के head है N K singh साहब इन्होंने बोला कि although FRBM is good fiscal जो deficit है उसपे ध्यान रखना है बट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सर्कमस्टेंसेज है तो लेट्स अबाउट फिजिकल डेफिसिट पढ़ाओ पहले हम लाइवलीहुड जो कोविड नाइनटीन पैंडमिक है इकोनॉमी को सर्वाइव कराते हैं रीबाउंड करते हैं दैट इज शुड बी अवर प्रायोरिटी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कम्स्टेंसेज टाइम फॉर फोर बियरेंस नॉट रिजिट एडेर रूल्स आर देयर बट नॉट रिजिट एडहरेंस टाइम फॉर फॉर बियरेंस देन दिस इज पेज नंबर टू ये है कोविड नाइनटीन चेक दिस इज टेस्ट लद्दाख हिल काउंसिल पोल बोडोलैंड काउंसिल है शेड्यूल फाइव शेड्यूल सिक्स है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल सेटअप हुई थी 2003 में अग्रीमेंट हुआ था बोडो लिब्रेशन टाइगर का इस काउंसिल को लेजिलेटिव पावर दिया है जुरिस्डिक्शन ओवर नोटिफाइड एरिया जिसको कहलाया गया बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कहाँ पर हो रहा है ये असम में हो रहा है ये पावर थ्रू होती है सिक्सथ शेड्यूल में फिफ्थ शेड्यूल है सिक्स शेड्यूल है सिक्स शेड्यूल में है ए एम टी एम ड्यूलेंडेड फॉर द पर्पज सिक्सथ शेड्यूल प्रोटेक्ट करता है ट्राइबल पॉपुलेशन को नॉन ट्राइबल स्टेट से वाई ले डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख इज मोस्टली ट्राइबल तो जैसे बोडोलैंड काउंसिल है यहाँ पर भी ऐसी डिमांड है लद्दाख हिल काउंसिल सो डिमांड फॉर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल सिस्टम इन दिस यू टी ये डिमांड्स हो रही है यहाँ पर तो यू शुड नो अबाउट फिफ्थ एंड दिस सिक्स शेड्यूल एंड बोडोलैंड काउंसिल यहाँ पे काउंसिल बनाने के प्रोविजन होते हैं पंजाब में स्टबल बर्निंग स्टार्ट हो गई है दिल्ली का ए क्यू आई हिट होगा अब दिस इज़ यू एस एंड दिस इज़ अबाउट ए पी एम सी ए पी एम सी और जो एम एस पी एंड प्रोक्योरमेंट ये इन सब के जो रूट्स हैं वो यहाँ पर हैं कि एक मंडी बने मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो और सरकार प्रोक्योरमेंट करे अगर फार्मर अपनी सेल नहीं कर पा रहे एम स्टिल टारगेटिंग टोक्यो ओलंपिक्स मैरीकॉम दिस इज अबाउट रिपल इफेक्ट लाइकली ये बात है बिकॉज क्या हुआ रेमिटांस रेमिटांस क्या होता है इंडियन बाहर जाते हैं इनकम अर्न करते हैं और वो इंडिया में वापस भेजते हैं दिस इज कॉल्ड रेमिटांस इंडिया वन ऑफ द टॉप दिस रिसीवर है रेमिटांस का बट गल्फ कंट्रीज़ जो हैं यहाँ पे भी जो हमारे वर्कर्स हैं ब्लू वर्कर्स हैं डिफरेंट वर्कर्स हैं फॉरन कंट्रीज में भी हैं अभी वंदे भारत मिशन हमने इन सबको इंडिया भी वापस बुला लिया तो रेमिटांस अभी हिट होगा कोविड नाइन्टीन एंड ऑल बैकड्रॉप में दैट इज वाई केरला बोल रहा है डायस्पोरा बॉन्ड केरला जो होता है इसमें रेमिटांस एक मेजर चंक ऑफ इनकम है स्टेट का डायस्पोरा बॉन्ड दिस इज मोटर इंश्योरेंस नो डायवर्जन ऑफ जी एस टी सेस फंड फाइनेंस मिनिस्ट्री ने क्लियर किया है कि जस्ट फॉर टाइमिंग था शॉर्ट क्रेडिटिंग देर इज नो डायवर्जन दैन दिस इज द वर्ल्ड न्यूज एंड दिस इज अबाउट पाइट पाइपर्स ऑफ अवर टाइम हैव यू सीन मोस्ट ऑफ द जो एडवर्टाइजमेंट आते हैं ना सेल करने का दो तरीका करते हैं एक तो वो टारगेट करते हैं चिल्ड्रन को बिकॉज चिल्ड्रन को ईजिली कन्विंस करना कि यू वॉन्ट दिस एंड देन चिल्ड्रन फिर पेरेंट्स को बोलेंगे पेरेंट्स हैव टू तो लिसन टू तो चिल्ड्रन सो so दिस इज़ वन थिंग चिल्ड्रन को टारगेट किया जाता है कंज्यूमर दिस ट्रेंड सेट करने के लिए सेकेंड सेकेंड होता है फियर साइकोलॉजी ये नहीं किया तो ये हो जाएगा ये कर लिया तो इतना अच्छा हो जाएगा दिस इज़ फियर साइकोलॉजी ये दोनों ही गलत है ऐसा कुछ भी नहीं होता है दिस इज़ फियर साइकोलॉजी तो सोशल मीडिया में ऐसा दिस ब्रांडिंग एंड दिस सेल्स दिस यूज होता है सोशल मीडिया प्लस इन्फ्लुएंसर्स होते हैं इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं वो इंजीनियरिंग करते हैं सोशल इंजीनियरिंग अगर आपका इन्फ्लुएंसर है सेलिब्रिटी है ही इज सेइंग कि आई एम डूइंग दिस डूइंग दैट यू विल आल्सो बी लाइक यू वुड आल्सो वांट टू डू दैट एंड यू विल स्टार्ट परचेजिंग दैट प्रोडक्ट आप भी वही प्रोडक्ट खरीदोगे और प्रोडक्ट का सेल हो गया दिस इज द वे देन इन द शेडो ऑफ ताज वर्ड इज वॉट इट इज एक्सलेंट बुक आई एम नॉट गेटिंग टाइम ये बहुत अच्छी बुक है स्टार्ट किया था बट कम्प्लीट नहीं हुआ काफ़ी अच्छी बुक है द वर्ड इज वॉट इट इज काफ़ी अच्छे फर्स्ट हैंड इन्होंने दिए हैं अपने ही वॉज एन आई एफ एस ऑफिसर तो काफ़ी इनका अच्छा इन्होंने पूरे अपने इंसाइट्स मैंशन किए हैं द वर्ड इज वॉट इट इज दैन दिस इज द रिमेन्स ऑफ द डे ये रेयर ग्लिम्स है अर्ली डेज ऑफ इंडिया फॉरन सर्विसेज एंड इट स्टडी ट्रांसफॉर्मेशन हिस्ट्री इन द मेकिंग द लाइ लामा जी इन मे नाइनटीन दलाई लामा क्या पर्सन होते हैं या दलाई लामा एक पोस्ट है आंसर दिस क्वेश्चन स्पेक्ट्रम ऑफ होप स्टे पॉजिटिव स्टे होपफुल दिस इज अबाउट आई ऑन चाइना श्रीलंका में इकोनॉमिकली चाइना में श्रीलंका में चाइना का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है आई ऑन चाइना इंडिया एंगेजेस राजपक्ष और इंडिया भी इसमें अपना दिस प्रेजेंस रखना चाहता है इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है ना आजकल काफ़ी प्रैग्मेटिक हो गई है जैसे हमने अफगानिस्तान में भी देखा था तालिबान सो so, हम अब बहुत प्रैगमेटिक हो रहे हैं ऑल दो हमारा वैल्यू सिस्टम एज इट इज़ है बट अब हम प्रैगमेटिक रियालिटीज़ भी देख रहे हैं आई ऑन चाइना इंडिया एंगेज राजपक्षा पेन टू पेपर ये सारे तीस यहाँ पे कंट्रीब्यूशन है जैसे बुद्धिस्ट डेलीगेशन श्रीलंका 15 बिलियन का हमने बुद्धिस्ट साइट में किया था देन एयर बबल की बात है लाइन ऑफ क्रेडिट दिया हमने हाउसिंग यूनिट्स बना रहे हैं कम्युनिटी डेवलपमेंट में इंडिया की प्रेजेंस यहाँ श्रीलंका में देन दिस इज सिक्सटीन एक्सप्रेस नेटवर्क ये काफ़ी अच्छा बिकॉज वर्ल्ड टूरिज्म डे है तो ये बहुत अच्छे यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं मैग्नेटिक मैसमराइजिंग महाराष्ट्र दीज आर सम वेरी गुड साइट्स जैसे ये बीच है दिस गणपति पुले बीच ये महाबलेश्वर है अजंता केव्स है ये है रायगढ़ फोर्ट ये अजंता की केव्स है अजंता एंड एलोरा दिस इज तडोबा अंधेरी नेशनल पार्क हैव अ लुक एट दिस इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ पे ये बहुत सारे कॉम्प्रिहेंसिवली इन्होंने समराइज कर रखा है जितने भी टूरिज्म स्पॉट्स हैं दिस महाराष्ट्र में एंड सम ऑफ काफ़ी अच्छे हैं एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कवर काफ़ी चीज़ें हो जाएंगी है दिस मैग्नेटिक मैसमराइजिंग महाराष्ट्र देन दिस इज शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड ये अभी हमने बात किया था शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड साइंस टेक्नोलॉजी शांति स्वरूप भटनागर साहब थे ये इंडियन कोलाइट केमिस्ट अकेडमिक साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटर फादर ऑफ रिसर्च लेबोरेटोरीज अभी इलेवन फोर्टीन साइंटिस्ट सेलेक्ट हुए हैं फॉर शांति स्वरूप भटनागर प्राइज के लिए सो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड साइंस दिस साइंटिस्ट को ये दिया जाता है okay. इसमें अभी रिजल्ट आएंगे विल देन रिविजन देन दिस इज अबाउट वर्ल्ड टूरिज्म डे में छत्तीसगढ़ दिस इज अगेन अ वेरी गुड छत्तीसगढ़ में बहुत सारे टूरिस्ट साइट्स हैं पोटेंशियल है अचानक मार टाइगर रिजर्व है ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व है ये वर्ना वापरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दिस इज बस्तर ट्राइबल रीजन इन छत्तीसगढ़ आई हैीन ह्यर बस्तर देन दिस इज भोराम टेम्पल दिस इज चंपारण्या और ये है चित्रकूट के वॉटरफॉल दिस इज कांगेर वैली नेशनल पार्क भी है यहाँ पे ये माटकू द्वीप है मल्हार है राजम है कल्चरल हेरिटेज दिस इज तीरथगढ़ वाटरफॉल वाइल्ड लाइफ इन छत्तीसगढ़ एंड दिस गोमाड़ा सेंचुरी सी स्टेलेक्टाइट स्टेलेगमाइट बस्तर में है मेगालिथिक बरियल साइट भी है रॉक पेंटिंग्स हैं फैब्रिक रनिंग फेस्टिवल सो दिस इज छत्तीसगढ़ एक बार आप इसको भी पूरा देख लेना वर्ल्ड टूरिज्म डे छत्तीसगढ़ टूरिज्म डेस्टिनेशन एक्सप्रेस अड्डा टॉक्स इकोनॉमिक एंड दिस इज स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स में आई पी एल इज गोइंग ऑन नाउ इस टॉक अबाउट द साहेल रीजन साहेल क्या होता है साहेल एक इको क्लाइमेटिक बायोजियोग्राफिक रियाल में ये ट्रांजिशन एरिया होता है अफ्रीका बिटवीन सहारा नॉर्थ में सहारा है और इधर सूडान का सवाना टू द साउथ है इसके बीच का जो एरिया है दैट इज द साहिल सेमी एरिड होता है ये साउथ सेंट्रल लैटिट्यूड नॉर्थ अफ्रीका में ऐसे स्ट्रेच्ड है एनिमल्स कैमल्स और हॉर्से मिलते हैं टैंपरेड ग्रास लैंड सवाना श्रब लैंड है सो दिस इज साहिल ये साहिल है ट्रांजिशन एरिया है यहाँ सहारा डेजर्ट है और यहाँ पे फिर ये सूडान इस सूडान का ये वाला एरिया आ जाएगा सो सेमी एरिड एरिया है कैमल्स मिलते हैं कंट्रीज़ कौन सी है सेनेगल मोरिशियाना माली नाइजर चार्ट सूडान और नाइजीरिया और इधर एट्रिया भी है सो दिस इज कॉल्ड साहेल रीजन दिस इज सॉल्ट और ये कौन सा रीजन था कल पढ़ा था दिस इज कॉल्ड माघरेब ये माघरेब है ये साहेल है सो दिस इज साहेल रीजन अफ्रीका मैपिंग शांति स्वरूप भटनागर प्राइस फॉर साइंस एंड दिस इज सेस से कहाँ पे होता है एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट डू दिस क्वेश्चन इन लेबर लॉज फ्लड इनडेशन Science and Technology Lantana Invasive Alien Species. Sri Lanka Tamil. And this is about UNMA reforms. So this is 27th of September. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.